जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दशा और दिशा, मैं हूँ आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी आइए जानते हैं क्या महाराष्ट्र में बदल सकता है सत्ता का चेहरा। एनसीपी टूटकर भारतीय जनता में गठन में शामिल हो जाएगी। क्या वजह है सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़? आने वाला उनका फैसला। जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ फिर से। क्या महाराष्ट्र में बदल सकता है सत्ता का चेहरा? एनसीपी टूटकर भारतीय जनता में गठन में शामिल हो जाएगी। क्या है वजह? वजह है सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला। अजीत पवार का बार बार नाम लिया जा रहा है, उन्हें इस बात को खारिज कर दिया गया है कि बीजेपी में आने वाले थे, लेकिन शरद पवार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह बस अफवाह है। मगर पर्दे के पीछे बहुत सी बातें हो रही है। पूरे घटनाक्रम का जानने के लिए एक यह विशेष पेशकश देश की दशा में मैं आपको लेकर आई हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पूरे मोदी सरकार की नींद को खराब करके रख दिया, पूरी नींद हिला कर रख दी है। याद कीजिए उस वक्त का जब उनकी अदालत में सामने महाराष्ट्र मामला आया था। याद कीजिए तब जब मामले की बहस हो रही थी, जब डीवाई चंद्रचूड़ यानी जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस वक्त राजनीति पर सिंह और शेर के किरदार पर यह सख्त टिप्पणी की थी, और यह भी कहा था कि भगत सिंह की कोशियारी के लिए यह किरदार अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने का पर्दाफाश में दबाव डाल रही है। आपको याद होगा कि बाद में जो भ्रष्टाचार वह डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ हुआ था, उन पर हमला भी बोल दिया गया था, उन्हें बदनाम भी करना शुरू कर दिया था। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि कुछ साल बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बकायदा खत लिखा कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब की रक्षा की जाए। महाराष्ट्र की डीवाई चंद्रचूड़ साहब चर्चा में आ गए थे। चर्चा में क्यों थे? याद कीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार की नींद खराब कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। सिर्फ उनमें से दो ही संभावनाएं सामने स्थगित कर दी गई है। बता दें कि 40 विधायक में से एकनाथ शिंदे के साथी और भाजपा में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी सदस्यता वाले सदस्य डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शातिर दिमाग चलना शुरू हो गया, और इसके चलते ही घटना क्रम पूरी ही तेजी से भागने लगी है। आप स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति देख रहे हैं अजीत पवार, याद कीजिए दर्शकों, कुछ साल पहले देवेंद्र फडणवीस जी जब शपथ ले रहे थे, तब याद कीजिए उनके साथ में शरद पवार भी गए थे, और उनका साथ ही बहुत ही अजीब गरीब बर्ताव भी देखा गया था, और उसका नतीजा क्या हुआ, भुगत रहे हैं अभी भी वो अपना नतीजा। बता दें कि उस वक्त शरद पवार का दखल दिया गया था, उसमें पूरी की पूरी पार्टी के बदल दी गई थी। नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन गई, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा करारा तमाचा मिला। अजीत पवार का ज्ञात कीजिए जब इधर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। दर्शकों, खबर आ रही है कि एनसीपी विधायक और विधायकों में सेवाओं में ये जो समर्थन मिला गया था, इसमें शरद पवार के 10 थे और उनमें से 40 विधायक अजीत पवार के साथ जाने वाले थे। अब बता दें कि भाजपा में शामिल होने वाले थे, लेकिन मगर इस घटना का क्या महत्व हुआ? इस घटना का महत्व यही हुआ कि एकनाथ शिंदे जो बाहर होने वाले थे, मंत्री पद से बाहर होने वाले थे, एकनाथ शिंदे के गाजेबाजी के साथ उन्हें जब तमाम विधायकों ने पहले मुंबई से गुजरात लाया गया, और गुजरात से ही उन्हें विश्व शर्मा के देखरेख में असम में रखा गया था। बड़ी गौर करने वाली बात है, वही अब 40 के 40 विधायक उनके उड़न छूने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं और गायब होने वाले हैं। देश के दशा और दिशा में सिर्फ फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश के दशा और दिशा में अगले पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। नमस्कार।